हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए, हमें दे रखा है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और हमें फिर जो है ये वाली वैल्यू निकालनी है और हमें कोट स्क्वायर थीटा है वो निकालना है। ओके तो फिर हमें पहले एक ट्रायंगल चाहिएगा, वो ट्रायंगल हम लेते हैं ये वाला जो हमने पहले इस्तेमाल किया था, राइट। यहां पर ये एंगल हुआ थीटा और क्योंकि ये वैल्यूज हमें नहीं दे रखी, जो दे रखी है वो हम आगे पुट करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक्स एक्स लेकर के रख रहा हूँ कि क्या होगी उसकी बाद उसके लिए हम रख लेंगे, ठीक है। अब कोट थीटा 7/8 है, कोट थीटा का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन 7 गिवन कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और कोट थीटा का मतलब होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल, टेंजेंट होता है P/B, तो ये होगा B/P, राइट। B यानी कि बेस BC P यानी कि AB परपेंडिकुलर, BC/AB, तो हम लेट करेंगे BC को मानेंगे 7x और AB को मानेंगे 8x और साथ में यूनिट, सो लेट BC इक्वल टू 7x यूनिट एंड AB इक्वल टू 8x यूनिट, ओके। अब हमारे पास BC आ गई कितनी, 7, AB 8x। यूनिट हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर कितना क्या है वो हमें नहीं गिवन, तो हम यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारा काम होगा साइन के लिए, तो हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ती है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में हम करते आए हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC और फिर ये सब चीज़ें, ओके। ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ओके। p और b हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, तो p की जो वैल्यू है वो क्या होगी, p की वैल्यू है 8x, तो ये हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि पावर दोनों की है, बच्चे क्या करते हैं ये नहीं लगाते ब्रैकेट, तो ये सिर्फ x की पावर बन के रह जाती है और गलत मिसअंडरस्टूड होता है और आपसे भी गलती हो जाती है, तो इसलिए पावर ज़रूर लगाएं। बी बेस यानी कि 7x ओके, ये आ गया। अब 8x स्क्वायर मतलब 64
64 x square प्लस 7 का 7 की जो पावर है वो होती है 49 x square इक्वल टू 9 4 13 1 6 4 10 1 11 113 x square। देखिए ये ना आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप जैसे आगे करोगे सम्स वगैरह तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इसको आइडेंटिटी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो फिर आप इसको करेंगे। देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। तो सिंपल आपको कोट थीटा की वैल्यू पुट करनी है और फटाफट हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करके दिखाना पड़ेगा। साइन की वैल्यू पुट करेंगे, कोस की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एच स्क्वेयर बराबर में आया 113 एच स्क्वेयर, एच स्क्वेयर से स्क्वेयर हट जाएगा, इसका स्क्वेयर रूट हो जाएगा रूट 113 एक्स। मैं उसको वैसे भी करके दिखा दूंगा जो अभी मैंने बताया है, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से आप उसे कर सकते हैं। एच इज इक्वल टू 113 और स्क्वेयर से स्क्वेयर हट गया तो बाहर एक्स तो बाहर निकल जाएगा, तो ये एक्स आ गया रूट 113 एक्स, यहाँ पर वैल्यू आई रूट 113। ओके, अब एच की वैल्यू आ गई, तो आप साइन थीटा कोस थीटा दोनों की वैल्यू को शो करेंगे। साइन थीटा बराबर में होगा पी बाय एच, ऊपर पी आ जाएगा और नीचे एच, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस। पी परपेंडिकुलर ए टैक्स है तो ऊपर ए टैक्स आ जाएगा और नीचे आएगा एच हाइपोटेन्यूस जो कि रूट 113 एक्स है। एक्स से एक्स कट जाएगा और हमें जो मिलेगी वैल्यू वो क्या होगी 8 बाय रूट 113। इसी तरीके से हम कोस की वैल्यू को निकाल लेंगे, कोस थीटा वो किसके बराबर होगा, वो होगा बी बाय एच के। यहां पर साइन थीटा की बजाय आ जाएगा कोस थीटा, पी की बजाय आ जाएगा बी बाय एच, बी की वैल्यू है 7 तो यहां पर आ जाएगा 8 की बजाय 7 और इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा 7। ओके, अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो हम ये वैल्यू यहां पर रख देंगे इक्वल टू जहां साइन थीटा है वहां पर हम रखेंगे 8 बाय
रूट 113, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो हम 7√113 रखेंगे, अब आप रीजन लिखेंगे बिकॉज ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इजिकल टू होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। राइट, ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे हम कि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, तो फिर यहां पर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसी तरीके से इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा। अब ये हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 का 113 बन जाएगा। और यहां प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, और यहां पर भी यही बात होगी, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। और 7 का बन जाएगा 49 और इसका 113। ठीक है, अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 और फिर ऊपर नीचे 113 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को हम लिख सकते हैं 113 बाय में 113। ठीक है, बात तो एक ही होगी ना, 1 को हम 113 बाय 113 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से नीचे भी। ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है ताकि डेनोमिनेटर बराबर हो जाए। अब डेनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर की हम क्या सब्ट्रैक्शन है वो कर सकते हैं, ऑपरेशन उस पर लागू कर सकते हैं हम। राइट, तो हमें क्या मिलेगा ऊपर, हमें ऊपर जो चीज़ मिलेगी वो होगी 113 में से 64 माइनस होगा तो कितना आएगा, हमें ऊपर मिलेगा 13 माइनस 4 9 और 10 माइनस 6 4 49 मिला ऊपर, और इसी तरीके से यहां पर हमें 64 मिल जाएगा। 13 माइनस यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 49, तो यहाँ पर 13 माइनस 9 4 और 10 माइनस 4 6 64। ओके, जब इसको दोबारा लिखा जाएगा तो क्या होगा, एक तो हमने ऊपर वाली वैल्यू लिख दी और जो नीचे वाली वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा,
मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 113 और नीचे जो है वो हमें मिलेगा 64। वन वन थ्री से ये 113 कट जाएगा और हमें मिलेगा 49/64। ओके 49/64 हमें मिल गया, यानी कि इस पूरी वैल्यू का आंसर हमारा आया है 49/64। और अब हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू तो हमारे पास है ना, कोट की वैल्यू है हमारे पास, कोट थीटा की वैल्यू 7/8, तो यानी कि 7/8 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी 49/64। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरीके से ये भी कर लिया हमने। अब बात है कि इसको हम जो पहला मैं मेथड बता रहा था शॉर्टकट है वो कैसे करते, तो उसको किया जा सकता था। पहले हम यही वाली वैल्यू ले लेते, ओके। अब फिर हम फार्मूला लगाते ये वाला, क्योंकि a प्लस बी एंड a माइनस बी का प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर इसकी वैल्यू से हमें मिलता 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो इससे हमें मिलता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर और थीटा की वैल्यू, राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से नेक्स्ट केस में मिलता 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये आगे जो एक्सरसाइजिस है उसके अंदर ये फार्मूलों का इस्तेमाल होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के, यहां पर आ जाता कोस स्क्वायर थीटा। आपको फिर रीजन भी लिखना होता है ब्रैकेट के अंदर, क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्लियर है। और नीचे मिलता साइन स्क्वायर थीटा, अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के,
टेंजेंट नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोट स्क्वेयर थीटा के। और कोट स्क्वेयर थीटा की वैल्यू अब हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे हमने ये यहाँ पे किया था। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो जाता, सेकंड पार्ट के लिए भी हम यही चीज़ करते। तो ये आसानी से कम समय के अंदर हो जाता, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का मिला हुआ है तो आपको ये जैसे हमने पहले किया था वैसे करना होता। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।